हेलो, सभी को नमस्कार। मेरा गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सभी इसका जवाब देना, मेरी बात सही है या गलत है। दोस्तों, मैं एक अध्यापक हूँ, लेकिन जो मेरी व्याख्या है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सभी से, टीचर की भी कोई ज़िंदगी होती है। टीचर को आए दिन परेशान किया जा रहा है। मैं कक्षा 3 का अध्यापक हूँ, अब वो कह रहे हैं ये सर्वे होगा, NAS होगा, ठीक है, ये वर्कशीट, इन वर्कशीट एडुलाइव पे इनकी कॉपी करा के लाओ, ये करा के लाओ। लेकिन हम मना नहीं कर रहे, हम कोशिश कर रहे हैं पूरी, हम जो भी जी जान लगा रहे हैं, लेकिन हमको सुविधा भी मिलनी चाहिए। प्रिंट पेपर जो वर्कशीट के मिलने चाहिए, ताकि हम उनसे तैयारी करा सकें। लेकिन ये कोई बात नहीं हुई, चाहे वो छुट्टी वाला दिन हो, चाहे कोई सा भी दिन हो, सुबह हो, शाम हो, रात हो, किसी भी टाइम मैसेज डाल देते हैं। टीचर का भी घर परिवार है, और भी सर्विस होती है, उनमें अपनी ड्यूटी करी 8 घंटे की और बात ख़त्म, ठीक है, आगे के आगे सोचेंगे। लेकिन टीचर को दिन रात इतना परेशान भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, उनका भी घर परिवार है, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। और हम मना नहीं कर रहे पढ़ाने के लिए, हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे आगे बच्चों को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये तो सोचो, जो बच्चा जो भी बच्चा का एडमिशन करते हैं हम, उनको कुछ भी नहीं आता, उसको कुछ नहीं आता, लेकिन उनका एडमिशन कर देते हैं। अब वो टीचर उस बच्चों को दोबारा से सिखाना चालू करेगा, या फिर और बच्चों का जो उनका टेस्ट लेगा, उनको सिखाएगा, उनकी वर्कशीट करवाएगा, कंप्लीट करवाएगा, आप ही बताओ इस बात को। तो ये भी कोई समय होना चाहिए, जुलाई अगस्त या कोई सा भी मंथ रख दे, भाई ठीक है इस टाइम एडमिशन होगा, इसके बाद नहीं होगा। सारी साल एडमिशन चलते रहते हैं, टीचर अब उन बच्चों को दोबारा से उनके लिए तैयारी कराएगा, या आगे बच्चों को जो उनको आगे बढ़वा चुका है आगे, या बहुत ही आगे पहुंचा चुका है उन बच्चों को, उनकी तैयारी कराएगा। आप सभी बताओ, टीचर को इतना दुखी कर रखा है, आए दिन हमारे ऊपर इतने अधिकारी बना के बैठा दिए, तो ताकि वो हमको आए दिन किसी भी टाइम कोई भी मैसेज डाल देते हैं। हम दुखी नहीं है, लेकिन हमको सुविधा भी तो करवाओ। और मैंने तो सबसे पहले यही उपाय सोचा है, योगा करो और अपने जीवन को तो बचाओ, बाकी तो देखा जाएगा, ठीक है। नमस्कार जी, जय हिंद, जय भारत।